दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं किसी से न डरते हुए सच का साथ देने वाली कंगना रनौत के बारे में, जिन्होंने हिमाचल के एक छोटे शहर से आके इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। आज हम उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप सभी को पता ना हो। तो हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ सौरभ और चैनल पैशन ऑफ ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 मार्च 1987 से, जब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बोमला में कंगना रनौत का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अमनदीप रनौत है, जो कि एक बिजनेसमैन है। साथ ही उनकी मां का नाम आशा रनौत है, जो कि एक स्कूल टीचर के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है, जिनका नाम रंगोली है, और वह 2014 से ही कंगना के मैनेजर के तौर पर काम करती हैं। हालांकि दोस्तों, बचपन से ही कंगना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं, क्योंकि जब छोटी उम्र में उनके पिता उनके भाई अक्षत के लिए खिलौने में बंदूक लाया करते थे, तब वह कंगना के लिए डॉल लाते थे। लेकिन कंगना हमेशा से ही भेदभाव का विरोध करती, और इसलिए जो खिलौना उनके भाई के लिए लाया जाता, वही खिलौना कंगना के लिए भी लाना पड़ता था। और फिर इसी तरह से DAV स्कूल चंडीगढ़ से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। हालांकि स्कूल में उन्हें साइंस सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन अपने माता पिता के सपनों के लिए उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करने का फैसला लिया। हालांकि टेस्ट में फेल हो जाने के बाद उन्होंने फिर से अपने फैसला बदला और किसी दूसरे फील्ड में करियर बनाने का फैसला लिया, लेकिन वह फील्ड क्या होगा अभी तक उन्हें दिमाग में कुछ नहीं आया था। और तभी 16 साल की उम्र में वह दिल्ली चली गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद अचानक ही एक मॉडलिंग एजेंसी ने उनके अंदाज और लुक्स से प्रभावित होकर उन्हें मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करने की सलाह दी। हालांकि मॉडलिंग असाइनमेंट करने के बाद से कंगना को यह लगने लगा कि क्रिएटिविटी के लिए इस फील्ड में कोई खास जगह नहीं है, और इसी वजह से मॉडलिंग का काम छोड़कर उन्होंने एक एक्ट्रेस बनने का सपना देख लिया। और फिर अरविंद गौड़ नाम के जाने माने थिएटर डायरेक्टर ने उन्हें ट्रेनिंग दी, और फिर एक्टिंग सीखने के साथ साथ कंगना ने कई सारे थिएटर वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों, थिएटर वर्कशॉप में काम करते समय कंगना के एक्टिंग की भी खूब सराहना की गई। और ऐसे ही एक समय की बात है, जब एक मेल आर्टिस्ट किसी वजह से शो में नहीं आ पाया था, तब कंगना ने उसकी जगह पर परफॉर्मेंस दी, और यहाँ मानो उन्होंने लोगों को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना दिया। हालांकि दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद वह फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गई, लेकिन यहां आने के बाद भी उन्होंने आशा चंद्रा के फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ महीने तक एक्टिंग सीखी। लेकिन टैलेंटेड होने के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी आसानी से काम कहां मिलने वाला, क्योंकि नेपोटिज्म ने तो हजारों टैलेंटेड लोगों के टैलेंट को दबा कर रखा है, और दोस्तों कितने टैलेंटेड लोगों ने तो इसी चक्कर में ही अपनी जान भी गंवा दी। बहरहाल टॉपिक में आते हैं, कंगना ने कई साल तक मुंबई की गलियों में चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कभी उनकी खराब इंग्लिश बोलने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता, तो कभी सेलेक्ट किए जाने के बाद भी किसी बड़े एक्टर और डायरेक्टर की बेटी आकर उनकी जगह ले लेती। और दोस्तों, इस समय कंगना के घरवाले और रिश्तेदार भी उनसे नाराज थे, क्योंकि वह इस इंडस्ट्री में कंगना रनौत को नहीं देखना चाहते थे। साथ ही कंगना ने भी अपने माता पिता की सहायता लेना भी बंद कर चुकी थी। हालांकि काफी सारे स्ट्रगल के बाद से आखिरकार उन्हें 2006 की फिल्म गैंगस्टर में सिमरन का किरदार निभाने का मौका मिला, और यहां पर उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा साथ छोड़ा कि वह इस साल फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से नवाजी गई। और फिर आगे इसी साल उन्हें वो लम्हे नाम की एक फिल्म में भी काम करने का मौका मिल गया था। हालांकि उन्हें आगे चलकर लाइफ इन मेट्रो, फैशन, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, क्वीन, तनु एट्स मनु, तनु एट्स मनु रिटर्न्स, सिमरन और क्वींस ऑफ झांसी जैसे फिल्मों से पहचान मिली। लेकिन दोस्तों, यह फिल्मों की पूरी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन आप कंगना जी की पूरी फिल्मों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। और इन्हीं सभी मूवी को करने के बाद से कंगना रनौत अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों पर राज करने लगी। साथ ही उन्हें फैशन, क्वीन और तनु एट्स मनु रिटर्न्स फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों, इतनी कम उम्र में इस अवार्ड को 3 बार अपने नाम करना बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी गैंगस्टर, फैशन, क्वीन और तनु एट्स मनु रिटर्न के लिए भी हासिल किए हैं। हालांकि दोस्तों, आजकल कंगना सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से अपने स्टेटमेंट के लिए काफी चर्चे में हैं, और उन्होंने बॉलीवुड की पूरी पोल खोल के रख दी है, और आज वह सच्चाई के लिए लड़ रही है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंगना जी की ये बातें आपको ज़रूर से पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।